आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के क्वेश्चन मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटलेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400। हेलो, क्वेश्चन में दिया गया है कि इन द अरेंजमेंट शो इन फिगर मास m1 का मास 1 kg, m2 का मास 2 kg है, ठीक है। कारा पुल्ली जो है मासलेस है और स्ट्रिंग जो है लाइट है। तो हमें पूछा गया कि इस कैपिटल M का वैल्यू क्या होगा कि मास स्मॉल m1 जो है ये मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब इसका एक्सेलरेशन जो है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो हम सॉल्व करते हैं। जब m1 का एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा मतलब टेंशन जो है m1g के बराबर हो जाएगा, इसका मतलब टेंशन इज इक्वल टू m1g 1 × 10 न्यूटन, ठीक है। ये 10 न्यूटन, ये 10 न्यूटन, तो ये 20, तो ये हमारा 20 2t मतलब, और टी का वैल्यू 10 है। तो इससे इसका क्या होगा, 2t इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो a इज इक्वल टू क्या होगा 20 / M, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि m1 मूव्स विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। अगर ये मानते हैं a एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो ये a से है, तो इसका मतलब ये पुल्ली जो है, पुल्ली 2 जो है वो भी a एक्सेलरेशन से नीचे की ओर आएगा। जब पुल्ली 2 नीचे की ओर a एक्सेलरेशन से आएगा, तो जब हम m2 का फ्री बॉडी डायग्राम लिखते हैं, तो हमारा m2g, ये हमारा t, ठीक है। ये टोटल नेट, ये जो है हम क्या करते हैं, हमारा जो मास m1 है जो है हमें कांस्टेंट दिया गया, उसका वेलोसिटी जो है कांस्टेंट है मतलब एक्सेलरेशन उसका जीरो है। तो हम क्या करते हैं कि हम इसके रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। जब यहाँ पे देखेंगे तो हमें इसका मास और इसका मास दोनों का इंडिविजुअल एक्सेलरेशन हमें दिखेगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस वन। इसका मतलब है कि ये ऐसे नीचे जा रहा है, तो इसको स्टॉप करने के लिए स्यूडो फोर्स ऊपर की ओर लगाना होगा। इसका मतलब m2 पर भी ऊपर की ओर स्यूडो फोर्स लगेगा, ठीक है, और इस पर भी स्यूडो फोर्स लगेगा। तो इस पर जब स्यूडो फोर्स लगेगा, तो ये हमारा m2 इंटू a हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब m1 का जो कंडीशन दिया गया है कि एक्सेलरेशन जीरो है, तो ये पॉसिबल तभी है कि जैसे द एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो मतलब एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन ऑफ m1 जो है वो जीरो है। इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन ऑफ ये m1 जो है ये रिलेटिव टू पुली 2 इज ए मस्ट बी अपवर्ड, ये अपवर्ड हुआ, तो ये अपवर्ड होने का मतलब है ये हमारा डाउनवर्ड होगा। जैसे हमने स्यूडो फोर्स लगाया इस पर, तो दोनों के दोनों ऊपर की ओर जाना चाहिए। अब ये ऊपर की ओर जा रहा है, लेकिन इसका एक्सेलरेशन जीरो है, इसका मतलब ये नीचे की ओर आएगा, ए ऊपर की ओर जाएगा मतलब m2 नीचे की ओर आएगा, तो इसका नेट एक्सेलरेशन जो है ए नीचे की ओर होगा। तो अब हम इसका जब हम इक्वेशन लिखेंगे, तो m2g हमारा 20 माइनस t हमारा 10 माइनस m2 हमारा 2, a हमारा 20/m मतलब 40/m इज इक्वल टू 2 × a, ठीक है। 10 इज इक्वल टू 40/m प्लस 2 × a का वैल्यू अगेन 20/m, सो दिस विल बिकम 80/m इज इक्वल टू 10, तो m इज इक्वल टू 8 kg। मतलब कैपिटल m का वैल्यू हमारा जब 8 kg होगा, इसका वैल्यू जब हमारा 8 kg होगा, तो ये जो हमारा मास m1 है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, दैट मीन्स एक्सेलरेशन जीरो होगा। जो ग्राउंड पर से ऑब्जर्व करता रहेगा, जो ग्राउंड पर से देखेगा, उसका कहेगा कि अच्छा इसका जब 8 kg मास है, इसका 2 kg मास है, तो और इसका 1 kg मास है, तो एक्सेलरेशन जो m1 है वो जीरो होता रहेगा, ठीक है। ये ऑब्जर्व करेगा ग्राउंड वाला। थैंक यू।